Hello students, welcome on my YouTube channel Microbiology by Santosh Nagte. Students, आज मैं आपको how to do effective study इस टॉपिक पे एक पढ़ाई करने का सही और आसान तरीका आपको बताने वाला हूँ. ये जो मेथड है, इस मेथड का नाम है SQ3R मेथड. So this is one important or effective study method. And it is discovered by American educational psychologist Francis P. Robinson. इन्होंने ये method discover की है और ये जो method है ये सभी students को बहुत फायदेमंद रहेगी, चाहे वो school के students हो, चाहे वो college के students हो, चाहे वो competitive exam की तैयारी करने वाले students हो. उसमें फिर अलग अलग प्रकार के competitive exams है, चाहे वो CSIR, NET, JRFO, SET हो, UPSC, MPSC, सभी स्टूडेंट्स को ये जो मेथड है SQ3R मेथड, और ये डिस्कवर की है अमेरिकन एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट फ्रांसिस पी रॉबिन्सन ने. तो ये मेथड सबके लिए फायदेमंद है. तो अगर आप इस मेथड से आपकी स्टडी पढ़ाई करोगे तो डेफिनेटली यू विल गेट बेनिफिटेड. क्योंकि जब भी हम स्टडी करते हैं, एक घंटे स्टडी की हमने, दो घंटे की या फिर उससे ज्यादा की, अगर उसका कुछ भी समझ में नहीं आया हमारे, तो ये जो हमारी स्टडी है ये कुछ काम की स्टडी नहीं रहेगी. तो इसलिए आपकी जो भी आप पढ़ाई कर रहे हो, स्टडी कर रहे हो, अगर वो आपने इफेक्टिव मेथड से की तो दैट विल बी यूजफुल फॉर योर ऑल टाइप्स ऑफ एग्जाम्स. तो हम शुरू करते हैं कि व्हाट इज मीन बाय दिस इफेक्टिव मेथड फॉर स्टडी और दैट SQ3R. अगर यहाँ पे हम देखेंगे तो SQ3R का मतलब है, मतलब यहाँ पे यस क्यू, उसके बाद R1, R2 एंड R3. इसी तरह से यहाँ पे 3R से, सो हियर ये जो पहला मतलब यस है ये सर्वे, उसके बाद क्यू का मतलब है क्वेश्चनिंग और क्वेश्चन, R का मतलब है रीडिंग, देन ये सेकंड R जो है इसे हम बोलेंगे रिसाइट, और इसी को हम बोल सकते हैं रिकॉर्डिंग, और तीसरा जो आर है इसे हम बोलेंगे रिव्यू, और इसे हम बोल सकते हैं रिवीजन. तो ये SQ3R मेथड है बिकॉज देर आर थ्री आर्स आर देर, दैट इज रीडिंग, रिसाइट, रिव्यू. ओके, तो ये SQ3R मेथड है. तो व्हाट इज दिस सर्वे, व्हाट इज मीन बाय क्वेश्चनिंग, या फिर रीडिंग क्या है, क्या करना पड़ेगा हमें उसमें, रिसाइट क्या है या फिर रिव्यू क्या है, वो हम देखेंगे अब. तो ये SQ3R मेथड के जो हमने बोला है ये यस दैट इज फॉर सर्वे, उसके बाद क्यू क्वेश्चनिंग, उसके बाद आर फॉर रीडिंग, उसके बाद ये सेकंड आर जो है रिसाइट, और ये थर्ड आर जो है ये रिव्यू के लिए या फिर रिवीजन के लिए. एंड दीज आर द डिफरेंट स्टेप्स हियर. ये SQ3R के अलग अलग स्टेप्स है. सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप हियर, that survey means it is a first step. उसके बाद Q means questioning, that is the second step. उसके बाद that first R it means reading, then second R it means recite, और ये third R जो है it means revive. So this is the first step here, then this is second step. Second step में आपको questioning करना है, this is the third step. Then this is fourth step here of this effective method, और ये है last step, और that is fifth step. तो अभी survey करना है, मतलब क्या करना है, तो आपका जब आप study को बैठ रहे हो at that time आपको जो भी topic पढ़ाई करना है उसकी पढ़ाई करना है, तो आपको पहले survey करना है कि आज मैंने जो topic लिया है पढ़ाई के लिए उसमें मुझे क्या क्या पढ़ना है. समझो आपने न्यूट्रिशन का टॉपिक लिया है, तो आप इस न्यूट्रिशन के टॉपिक के अंडर आप क्या क्या पढ़ाई करने वाले हो, इसका आपको एक ब्रीफ सर्वे आपको करना है कि मतलब कौन से पॉइंट आपको उस टॉपिक में या फिर इस न्यूट्रिशन में आपको आज के दिन या आज की पढ़ाई के लिए पढ़ना है. तो इसी को हम बोलेंगे सर्वे. जस्ट यू हैव टू फाइंड आउट विच टॉपिक्स आई हैव टू स्टडी अंडर दिस न्यूट्रिशन हेडिंग. सो ये हो गया हमारा सर्वे. उसके बाद है क्वेश्चनिंग. अभी सर्वे करने के बाद आपको अलग अलग पॉइंट्स वहां पे मिलेंगे, एक एग्जांपल मैं आपको आगे बताने वाला हूं.
तो उस पे अभी क्वेश्चनिंग करना है आपको। और ये जो आपके क्वेश्चनिंग है ये दैट शुड बी स्टार्ट्स विथ वू, जैसे अभी यहाँ पे हमने बताया कि दैट SQ3R मेथड, ये जो मेथड है ये डिस्कवर की है दैट फ्रांसिस पी रॉबिन्सन ने। तो हम यहाँ पे क्वेश्चन कर सकते कि हु डिस्कवर दिस SQ3R मेथड, या फिर हम बोल सकते यहाँ पे व्हाट इज द यूज ऑफ दिस SQ3R मेथड। तो ये क्वेश्चनिंग आपको स्टार्ट करना है फ्रॉम दिस वर्ड्स, हु, व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई और हाउ। एंड द मेन पर्पज ऑफ दिस सेकंड स्टेप इज दैट इज टू रीड द कंटेंट इन डिटेल हियर। ओके, तो ये हो गया आपकी क्वेश्चनिंग। उसके बाद क्वेश्चनिंग करने के बाद आपका जो पैराग्राफ है, आपका जो टॉपिक है, उसको आपको क्या करना है, रीड करना है, उसकी रीडिंग करना है। और रीडिंग करने के बाद आपने जो भी क्वेश्चन यहाँ पे फाइंड आउट किए हैं उस क्वेश्चन के आंसर आपको मिल जाएंगे। जैसे अभी एक एग्जांपल, मैं सिंपल एग्जांपल आपको देता हूँ कि अभी मुझे मार्केट जाना है और एक पर्टिकुलर नाम का आइसक्रीम का जो पार्लर है, शॉप है, वो मुझे फाइंड आउट करना है। तो मैं क्या करूंगा कि ये मेरा क्वेश्चन तैयार हो गया कि आइसक्रीम का, ये पर्टिकुलर नाम का आइसक्रीम का पार्लर मुझे फाइंड आउट करना है, ढूंढना है। तो मैं पूरे जो भी शॉप्स लगेंगे मुझे उस रास्ते में, तो उस हरेक शॉप का नाम जो है मैं पढ़ पढ़ के जा रहा हूँ और पढ़ रहा हूँ। और एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे मुझे जो जिस दुकान को, जिस आइसक्रीम पार्लर को मैं ढूंढ रहा था, वो दुकान वहां पे मिल जाएगा। मतलब आपका एक क्वेश्चन का आंसर तो आपको मिल जाएगा, लेकिन आप डिटेल से देख रहे हैं पूरे दुकान को, तो इसीलिए आपको बाकी के दुकान के भी नाम आपको मालूम हो जाएंगे। इसी तरह से जब आप रीडिंग करोगे उस पर्टिकुलर टॉपिक का, पैराग्राफ का, आपकी क्वेश्चन का आंसर तो आपको मिल जाएगा, और उसी के साथ आपको बाकी के जो पॉइंट्स है उस पैराग्राफ में, उस पॉइंट में, उसके बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो ये हो गया आपका रीडिंग। उसके बाद सेकंड आर जो इस मेथड में वो है रिसाइट। अभी आपके क्वेश्चन जो आपने डिजाइन किए थे सेकंड स्टेप में, उसके बाद उसके आंसर्स आपने फाइंड आउट किए थर्ड स्टेप में, दैट इज रीडिंग में, और अभी आपको क्या करना है, उसको रिसाइट करना है। तो आफ्टर फाइंडिंग द आंसर, आपको ये जो क्वेश्चंस के आंसर से आपको रिसाइट करना है, या उसको फिर रिकॉर्डिंग करना है। रिकॉर्डिंग का मतलब है यहाँ पे एक पर्टिकुलर आपके जो भी सब्जेक्ट की, उस सब्जेक्ट की नोटबुक में आपको वो क्वेश्चन लिख के उसके नीचे आपके वर्डिंग में उस क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना है और बाद में रिसाइट करना है। मतलब ये नोट्स भी आपके वो पर्टिकुलर टॉपिक के, बाद में पर्टिकुलर यूनिट के और बाद में पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ये नोट्स आपके वहां पे तैयार हो जाएंगे इसी तरह से। तो ये हो गया हमारा सेकंड आर। और लास्ट मेथड जो है, जो तीसरा आर है, ये है रिव्यू, या फिर हम इसको बोलेंगे रिवीजन। रिव्यू में आपको करना है कि जो भी आपने क्वेश्चन वहां पे लिखे उसके आंसर्स आपने रिकॉर्ड किए, रिसाइट किए, अभी आपको वहां पे रिवाइज करना है या फिर रिवाइज करना है। जब भी आपकी एग्जाम होगी या फिर जब भी ड्यूरिंग द टाइम वी कैन और यू कैन रीड दैट पर्टिकुलर नोट्स हियर, आपकी जो भी नोट्स यहाँ पे तैयार हो गए उसको आप रिव्यू कर सकते हैं हमेशा के लिए, या फिर जब आपकी एग्जाम होगी तब आप रिवीजन के लिए पूरे के पूरे आपकी ये जो नोट्स है ये आपको यूजफुल हो जाएंगे। तो ये हो गई हमारी SQ3R मेथड। ये बहुत इफेक्टिव मेथड है और सभी स्टूडेंट्स ने ये अप्लाई करनी चाहिए, यूज करनी चाहिए, बिकॉज दिस इज द मोस्ट इफेक्टिव मेथड फॉर स्टडी। चाहे वो स्कूल स्टूडेंट्स हो, चाहे वो कॉलेज के स्टूडेंट्स हो, चाहे वो कौन से भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स हो, तो इन्होंने ये मेथड यूज करनी चाहिए, तभी आपकी जो स्टडी है ये इफेक्टिव हो जाएंगी और ये बहुत यूजफुल हो जाएंगी। और अभी आगे मैं आपको एक एग्जाम्पल बताऊंगा। यहाँ पे एक पैराग्राफ मैंने दिया है, तो ये न्यूट्रिशन इन एनिमल्स का पैराग्राफ है, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। और यहाँ पे आपको कैसे क्वेश्चनिंग करने हैं, पहले तो पहली जो मेथड है हमारी वो है सर्वे। पहली मेथड, पहली स्टेप जो हमारी ये मेथड में, ये जो हमारी SQ3R मेथड है, इसमें फर्स्ट स्टेप है सर्वे। तो जैसे मैंने पहले बताया था कि ये सर्वे करना है, मतलब अभी ये जो हमारा पॉइंट है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, इसमें आपको देखना है कि मुझे क्या क्या पढ़ाई करनी है। तो ये जनरल इंट्रोडक्शन है इसमें, तो इंट्रोडक्शन मुझे देखना है। उसके बाद ये जो यहाँ पे दिया है कि डिवाइडेशन ऑफ एनिमल्स दिया है इन्होंने, एनिमल्स कैन बी डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग ग्रुप्स डिपेंडिंग अपॉन देयर फूड हैबिट्स। तो मतलब यहाँ पे
एनिमल का क्लासिफिकेशन हमें देखना है विच इज डिपेंड अपॉन देयर फूड हैबिट्स और उनके फूड हैबिट्स के अकॉर्डिंगली। उसके बाद हमें देखना है टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। तो ये हो गया हमारा सर्वे। हमारा सर्वे, अभी सर्वे में हमें पता चला है कि मुझे इस टॉपिक में क्या पढ़ाई करना है। न्यूट्रिशन ऑफ एनिमल्स और न्यूट्रिशन इन एनिमल्स के इंट्रोडक्शन के बारे में मुझे पढ़ना है। उसके बाद मुझे पढ़ना है एनिमल का क्लासिफिकेशन जो उसके फूड हैबिट्स के अकॉर्डिंगली किया है, और उसके बाद मुझे पढ़ना है टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। तो ये हो गया हमारा सर्वे। सेकंड स्टेप जो थी हमारी वो थी क्वेश्चनिंग की। अभी हमें क्वेश्चन लिख के लेना है, हमारे नोटबुक में हमें तैयार करना है। एंड दैट शुड बी स्टार्टिंग फ्रॉम दी हु, डिफाइन, डिस्क्राइब, हाउ, वेयर, इन दिस वे। तो अगर ये सेंटेंस अगर हम देखें, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड इज कॉल्ड एज इंजेशन। तो ये पैराग्राफ में ये लाइन हमने पढ़ी है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम डिफाइन या फिर एक क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं कि डिफाइन इंजेशन। हम क्वेश्चन तैयार क्या कर सकते हैं यहाँ पे, डिफाइन इंजेशन। तो ये हो गया क्वेश्चन हमारा। तो बाद में जब रीडिंग करोगे आप, मतलब थर्ड स्टेप में, तो आपको पता चलेगा कि इंजेशन की डेफिनेशन क्या है। तो यहाँ पे आप आओगे, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड इज कॉल्ड एज इंजेशन, आपका आंसर आपको मिल जाएगा। बाद में आपको रिसाइट करना है, इसको रिकॉर्ड करना है आपके नोटबुक में। तो ये इसी तरह से ये भी आप कर सकोगे कि एनिमल्स कैन बी डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग ग्रुप्स डिपेंडिंग अपॉन देयर फूड हैबिट्स। तो हम क्वेश्चन यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं फ्रॉम हाउ से, हाउ दैट एनिमल्स कैन बी डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू देयर फूड हैबिट्स। और यहाँ पे हम डिस्क्राइब से भी क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं, डिस्क्राइब इन ब्रीफ द टाइप्स ऑफ एनिमल्स अकॉर्डिंग टू देयर फूड हैबिट्स। और ये हो गए, ये यहाँ पे हम डिफाइन क्वेश्चन बोल सकते हैं, डिफाइन हर्बीवोर्स और व्हाट आर हर्बीवोर्स, व्हाट आर कार्निवोर्स, व्हाट आर ओमनिवोर्स और गिव देयर एग्जांपल्स। तो ये इसी तरह से हम वहां पे क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं। क्वेश्चन तैयार करने के बाद जब आप रीड करोगे तो आपको उनके आंसर्स मिल जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे भी हम क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं, विच आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। ओके, तो व्हाट इज मीन बाय डिपॉजिट फीडिंग, व्हाट इज फ्लूइड फीडिंग, व्हाट इज बल्क फीडिंग, ये क्वेश्चनिंग हम यहाँ पे कर सकते हैं। ये पूरे क्वेश्चन तैयार होने के बाद जब आप लिंक करोगे पूरे पैराग्राफ को, पूरे पॉइंट को, तो इस क्वेश्चन के आंसर्स आपको मिल जाएंगे। और बाद में इसे आपको रिसाइट करना है, आपके नोटबुक में रिकॉर्ड करना है, और लास्ट जो स्टेप है वो है रिव्यू की या फिर रिविजन की। तो ये पूरे नोट्स आपके तैयार होने के पहले तो आपके ये पर्टिकुलर पॉइंट्स के नोट्स तैयार हो जाएंगे, उसके बाद पर्टिकुलर टॉपिक के आपके नोट्स तैयार हो जाएंगे, और उसके बाद पर्टिकुलर सब्जेक्ट के नोट्स तैयार हो जाएंगे जब आप ये SQ3R मेथड से स्टडी करोगे। ओके, और लास्ट में आपको आपके पूरे नोट्स तैयार होने के बाद आपको ये रिव्यू करना है, डेली रिव्यू करना है या फिर आपके शेड्यूल के अनुसार टाइम रिव्यू करना है। और बाद में जब आपकी एग्जाम रहेगी तब आपको उसे रिवाइज करना है, आप रिविजन कर सकते हैं। तो ये बहुत इफेक्टिव मेथड है। तो स्टूडेंट्स, यू कैन ट्राई टू यूज दिस मेथड ड्यूरिंग योर स्टडी ऑफ एनी टाइप, चाहे आपकी स्कूल की स्टडी हो, चाहे आपकी कॉलेज की स्टडी हो, चाहे आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की स्टडी हो। थैंक यू फॉर हियरिंग दिस लेक्चर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस माइक्रोबायोलॉजी बाय संतोष नपते। थैंक यू।